तो गुड मॉर्निंग, हमारी किस्मत जो है टाइगर हमसे आगे चलती है, मतलब घोड़े की चाल चलती है वो शतरंज में। क्योंकि मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, सोचा था आज से हम 10 बजे से वीडियो डालेंगे, चाहे कुछ हो जाए। ऑलमोस्ट वीडियो हो गया था, पब्लिश होने हो गया था, लैपटॉप में बैटरी कम थी क्योंकि लाइट जा चुकी, 9 बजे लाइट गई थी, अभी बचने वाले 9:45 और लाइट नहीं, 1 घंटा हो गया। अब मैं लैपटॉप से डेटा अपने मोबाइल में भी ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि लैपटॉप की बैटरी जा चुकी है। वीडियो ऑलमोस्ट बन चुका है, अब कब लाइट आएगी, अब गीत को भी छोड़ना है, फिर मुझे भी ऑफिस जाना है, आज फिर वीडियो लेट आएगा, ये बताने चाह रहा था आपको। लाइट नहीं है तो गीत के लिए पानी गैस पे गर्म किया, गीत स्कूल जाएगी। क्यों गीत आप स्कूल जाओगे? गीत को हल्के हल्के यहाँ पे चिकन बॉक्स, क्यों बोलते चिकन बॉक्स हो गया स्मॉल पॉक्स, क्योंकि वो हल्के हल्के दिख रहे हैं, मतलब तो मच्छर के हो। क्यों गीत आज हमने ध्यान से देखा था उजाले में। तभी ठीक है आपकी दाता हो रही थी, कहाँ हो रही दाता, आप कैसे हो? बुखार है इसको तो फिर क्यों भेज रहे हैं? अंदर से लग रहा है यार हल्का, वो रोने लगी ऐसे बोल दिया बुखार है तो नहीं बेटे चोट। अरे कॉम के टाइम पर हो रही थी, बस हो गया अभी जा, हो तो गया फिनिश, डन डन। तो दोस्तों वापस घर लेके जा रहे हैं, स्कूल के लिए तैयार होके नीचे आ गए थे, फिर रचना की दीदी मतलब की क्या हो रहा है जे कर लिया, हाँ हल्दी लग गई थी रस्ते, अंकल मिले थे तो वापिस ले जा रहे, उन्होंने कहा कि मत भेजो अगर चिकन बॉक्स है तो, ये तो तभी तो ठीक लग रही है, वापिस जाते हैं, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। घर चले, घर चलना है, स्कूल नहीं जाना, स्कूल जाना है क्या, नहीं जाना। मैं तो छोड़ आया है गीत को, मन में सोचा कि लिफ्ट से चलते हैं, वो सीढ़ी चलते हैं, मैं सोचा कि वैसे वहाँ पर मेरा मेहनत का काम तो करना नहीं है, छोड़ देता हूँ, घर पे लाइट है नहीं, जान खा लेगी वो, टीवी चलेगी नहीं तो वहाँ पे बैठेगी कुछ सीखेगी। अब अगर उसको चिकन पॉक्स है तो इवनिंग में जाके डॉक्टर को दिखा देंगे, तो फिर मैं वैसे भी नहीं जा पाएंगे, मुझे ऑफिस जाना है, तो भेज दिया मैंने तो। अगर कुछ हुआ तो कल से छुट्टी लेने ही उसको। तो मैं तो छोड़ा आया गीत को क्योंकि देखो 10:30 बज रहे हैं, लाइट का कोई भरोसा नहीं, 12, 1, 2, 3 मतलब कुछ ना कहीं मेंटेनेंस चल रहा है, गीत के स्कूल में भी लाइट नहीं है, हाँ तो इन्वर्टर चल रहा है, तो मैंने सोचा छोड़ देते हैं, शाम को डॉक्टर को दिखाएंगे तो पता चलेगा क्या है, चिकन बॉक्स है या फिर मच्छर है, क्या है वो हमको पता नहीं है, तो वो डॉक्टर को पता करके बताएंगे। मुझे तो लग रहा है मच्छर के दाने हैं क्योंकि वो बैठती हैं उस कॉर्नर में उसके ऑफिस में और अंदर सो रहे हैं, या तो मच्छर होंगे, नहीं तो अभी फीवर आ जाता अगर कुछ होता तो। सीढ़ी चढ़ के आया तो मेरी जान चली गई, तो वैसे भी यहाँ लाइट नहीं, रचना की जान खा लेती, टीवी चलती नहीं, छोड़ दिया, कुछ होगा तो डॉक्टर सर को बता दिया, फोन कर देंगे। क्लास में नहीं, क्लास में। अच्छा अलग अलग क्लास में, मैं तो, क्योंकि मैं तो आगे वाले क्लास में। ओके गीत आप कौन सी क्लास में हो? सनमा रही हो तो आपके बराबर के हैं बच्चे, बड़ों के समझा, शर्माओ भी इतना क्यों शर्माता है तू? क्यों बीच तबीयत ठीक है आपकी, तबीयत ठीक है? ओहो ठीक है फिर दोस्तों, आ तो गए लेके क्लास और मतलब स्कूल से गीत को लेकर आ गए, अब देखते हैं कैसी की तबीयत है, जो देखे ना चिकन बॉक्स के जो दाने हैं वो बड़े हैं या नहीं, या कुछ और है, वो हो सकता है वो मच्छर काटने का निशान हो, ये उसकी क्रीम चेंज करी तो। गेट ओपन करो, मैं आपको ऑफिस साफ कर दिया बेटा, फिर आप भी खेल लोगे। वाह यार अच्छा, ला 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 ला। अरे अच्छे लग रहे क्या, ये मैंने चश्मा लगा रखा है। अबे साले तो आज ये भिंडी की सब्जी और रोटी और मैं खास कर खा रहा हूँ आजकल हरी मिर्चे। हाँ बेटा, ओ बापी से शुरू कर दिया मेरे बच्चे ने, हाँ गुरु वेरी गुड वेरी गुड। ये बॉटल तो अंदर रख दो, आपके पानी की वो अंदर रख, मम्मा रख देगी टिफिन बॉटल, आपके हैंड वॉश हो गए, आपको बैठो। चलो खाना खाना है? नहीं ठीक है, हम पापा खाने फिर 11:30 पे ये लोग लंच करते ना।
तो दोस्तों घर आ गए, मगर रचना ने कुछ स्पेशल मंगाया मेरे से, क्योंकि वो बनाने वाली घर, क्योंकि आज देखो रचना कैसे बनाती, अच्छी बनती कि नहीं बनती। आज मम्मी से बैग में आज कुछ नहीं लाया पापा, बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए पापा बाहर की चीजें नहीं ला रहे। नो बैग। तो दोस्तों रचना ने चॉपिंग कर दी है शिमला मिर्च और गाजर, मिर्ची और प्याज। अब तैयारी हो रही है रचना, किस चीज की बता दो हमारे ऑडियंस को, हालांकि मैं हल्की हिंट दे चुका हूँ उनको। इनको खाना था चाउमीन, मैंने कहा बाहर के खाओगे इसे मैं ही बना देती हूँ। हाँ, मैं वो खाना चाउमीन और गीत बेसब्री, मतलब गीत किचन के आसपास भी घूम रही है, उसने देख लिया नूडल्स बन रहे हैं तो मतलब। लेकिन बागा जी पहले आप जाओ और ये देखेंगे डालना है कि नहीं। मैं बोल रही हूँ पहले आप गीत को रोटी खिला दो, उसके बाद ही चाउमीन। ठीक है। हाँ नहीं तो ये पेट से पेड़ भर लेंगे। कहाँ गीत, नूडल्स खाना है? मेरा भी गीत, पहले रोटी खानी पड़ेगी। क्या खाना है? नूडल्स खाना है और रोटी नहीं। क्यों? नूडल्स यही खड़े जब तक ऐसा बन नहीं जाता, किचन के आसपास ही घूम रहे। अच्छा रोटी खा लो पहले, एक वन रोटी प्लीज। वन तो खानी पड़ेगी, ओनली वन, हाफ हाफ हाफ। नूडल्स नहीं देंगे मम्मी फिर? आज जी गरम है रोटी, फटाफट नूडल्स खाना है या? और तो फिर आज ही रोटी खानी पड़ेगी। ओके प्रॉमिस। ओके हाई फाइव करो फिर फटाक से, हाई फाइव, ओनली हाई फाइव करो। आप हो गए हाई फाइव, चलो आ जाओ। गीत खा रही है रोटी, तब जाके उसको मिलेंगे नूडल्स। तो रोटी और भिंडी की सब्जी खा रही, क्यों बेटा? तभी नूडल्स मिलेंगे। हाँ ठीक है, हाफ रोटी खा चुका मेरा बच्चा, एज पर द प्रॉमिस। पर आप पूरी रोटी खा लोगे? हाँ ठीक है। सॉस नहीं डाले मैंने ज्यादा। हाँ तो ये बन गई है, इसमें सॉस नहीं डाले हैं। क्यों? थोड़ा सा डाला है हल्का सा कोने में, क्योंकि गीत भी खाएगी इसलिए। और अपन को लगेगा तो ऊपर सॉस डालेंगे, गार्लिक चिली सॉस भी है हमारे पास, वगैरह डालनी हो तो डाल देना, ये नहीं डाले मैंने आगे, थोड़ा सा सोया सॉस डाला थोड़ा। तो दोस्तों लुकिंग ब्यूटीफुल, आय हाय हाय रचना से आज पहली बार कोई चीज खूबसूरत दिख रही है, मतलब ऐसा कह सकते हैं इनको। सर ये बुरा मान, चक्के बताओ, चक्के में ही बताऊं, बाहर चलो यहां प्लेटफार्म पर। ओके सब लीजिए ध्यान करो दोस्तों, ये जो चखने वाला सिस्टम मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं रिस्क क्यों लूं। पापा क्या बना रही है? हां बेटा आ जा, चलो मैगी आ गई, नूडल्स आ गई, चलो आओ उठ के बैठो, सिट डाउन बेटा, आपकी चेयर लेकर आओ। आज मुंह बनता है कि नहीं बनता, लेट्स सी। तो आप नहीं खा रही? पहले आप टेस्ट करो, मैं थोड़ी देर से खाऊंगी। क्यों, क्या रिसर्च चूहों पे अप्लाई किया थी, ऐसा है क्या? तो मैं गीत को खिला के देखूंगी पहले अपने आप? नहीं पहले आप खाओ। ये माँ भगवती बेटा एक मिनट रुक जाना, पापा टेस्ट कर ले। जानो दिमाग मत खराब करना फालतू की, पता है कि नहीं ये पूछ रहा हूँ मैं, याद दिला रहा हूँ बार-बार, जब भी तू कुछ बनाती है सब मेरे ही कर रखा है। बेकार, और गीत से सब्र नहीं होता हुआ, कोई खिला नहीं रहा, मैं खुद खा लूंगी। उसकी चम्मच अलग है। अच्छी बनी है, अच्छी वाली, अच्छी बनी, स्पाइसी नहीं बनाई ना, स्पाइसी नहीं है, अच्छी बनी मगर। खा के देखो गम नहीं है। गीत बताइए कैसी बनी है? कैसी गीत? मुझे गिर गई उसको, नूडल्स, नूडल्स कह रही है। कैसी कैसी बनी? यम्मी है, यम्मी है कि नहीं ये बताओ। गीत कैसी बनी है? पिज्जा, पिज्जा नहीं है बेटा ये, पिज्जा जितनी अच्छी है ऐसा कहने का। अच्छी बनी है दोस्तों, अच्छी बनी है, आप भी खाने जाइए, बहुत सारी बनाई है। फ्रेंड्स जब ये खत्म होंगे ना तो आप देखोगे वेजिटेबल्स ये लोग साइड में रख देंगे, लोग नहीं खाएंगे। तो दोस्तों अब बजे ना रात के 10:30, खाना हो गया, जैसे आपने देखा नूडल्स खाए हम सब ने पेट भर के, बहुत अच्छे बने थे। हाँ इस बार मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में अच्छे बने थे। आप लोग हंसते हो ना फिर रचना को बुरा लगता है। हाँ और अभी अंजना भाभी आ गई थी जो हमारे साथ फागुन रेस्टोरेंट गई थी, उनको कुछ कुंडली से रिलेटेड कंसल्टेशन चाहिए थी, क्योंकि अभी शनि की जो ट्रांजिट हुआ है, शनि जब कुंभ राशि में आए तो काफ़ी लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं, क्योंकि किसी की 7:30 शुरू हुई है, किसी की 7:30 खत्म हुई है। तो जो ट्रांजिट आता है जब जब ऐसा होगा, जब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारे साथ भी चली रही है। हाँ एकदम से हमारा गीत दी मम्मी और कब हमारा ब्लॉग चैनल एकदम बंद हो गया, मतलब कि अर्निंग रुक गई,
किसी किसी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, किसी की जॉब पे आती है, किसी की अर्निंग पे होती है, किसी के बच्चों में आती है। तो वो जिस जब शनि जिस पर्टिकुलर हाउस में ट्रेवल करते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। ये ब्लॉग मुझे लगता है खत्म करना चाहिए, आज मूवी वगैरह हम कुछ नहीं देखा है, थक गए सोएंगे या कुछ होता है तो आपको बताते हैं। तो गुड मॉर्निंग, गीत को छोड़ के आ गए हैं स्कूल, आज भी गई है गीत। और जो हमको कल डाउट लग रहा था कि उसको चिकन पॉक्स होगा, तो वैसा कुछ नहीं है, मच्छर के निशान थे, हमको खुद तक पता नहीं था, मगर क्योंकि वो दाने अब बढ़ नहीं रहे हैं और कम ही हो गए, क्योंकि वो अभी हम अंदर वापस सोने लगे हैं तो वहाँ पे मच्छर हैं और रचना को स्मेल आती है, इसलिए हम ऑल आउट वगैरह नहीं जला पा रहे हैं, तब उसको ओडोमॉस वगैरह लगा देंगे मास्क से। आज फिर स्कूल गई, थोड़ा सा वीक तो फील कर रही है, पता नहीं क्यों, या तो वो पहले की जो तबीयत ख़राब है वो सही नहीं हुई है इसलिए भी, बाकी ठीक है।